Hello students, welcome to MathGet. In this video we will discuss the next question which has been asked in GET 2019 electronics branch. Aur ye question aaya hai differential equation se. Aaiye dekhte hain question. The question is, consider the homogeneous ordinary differential equation x square d2y by dx to minus 3x dy by dx plus 3y is equals to 0, x greater than to 0 with yx as a general solution. Given that y1 is equals to 1 and y2 is equals to 14, then the value of y1.5 is equals to what? Right? Ek acha question hai. अच्छे से समझिएगा इस बात को. सबसे पहले क्या करना है, आप इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई कीजिए. ये जो गिवन आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये कैसी है. इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन कहलाती है स्टूडेंट्स कोशीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, ये होती है कोशीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. या इस इक्वेशन को इन जनरल जो है सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट. क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है, यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है, ये कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है. डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर से डेरिवेटिव के साथ एक्स आ रहा है, तो मतलब यहाँ वेरिएबल कोफिशिएंट आ रहा है. ठीक है, तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड होता है. तो पहले हम उस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं. मेरा क्वेश्चन क्या हो स्टूडेंट, सपोज मेरा क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स टू, फिर प्लस या माइनस कुछ भी ले लीजिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, कोई ले लीजिए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टू ले लिया सपोज, और फिर आगे ले लिया हमने 2y is equals to 0. सपोज कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, हम एक जनरल में स्टैंडर्ड कोई एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहती हूँ, या आप चाहे तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं और इजी हो जाएगा. तो माइनस 3x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3y. राइट, इस क्वेश्चन के लिए या ऐसा जो टाइप होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन है इसको आप सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर डी माइनस 3xd प्लस 3y इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे. ये तो आपकी होगी फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम कैपिटल डी वाली फॉर्म में लिखेंगे. ये हम सब जानते हैं कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है डी बाई डी एक्स. राइट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी बनाने के लिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या पुट करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन में हम x की प्लेस पे e पावर z रखेंगे, या फिर z अगर आ जाता है तो z के प्लेस पे log x रख देंगे. ठीक है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जब आ जाएगा उसके सॉल्यूशन में हम x इज इक्वल टू ई पावर जेड ले लेंगे या फिर z इज इक्वल टू log x ले सकते हैं. ओके, एंड वन थिंग आप इसमें लेट करके चलेंगे, लेट q इज इक्वल टू d बाई डी जेड, मतलब जहां इसमें d बाई डी जेड आएगा इस इक्वेशन में कहीं, तो उसके प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगी, d बाई डी जेड के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे इस इक्वेशन में, अगर कहीं पे भी d बाई डी जेड आया तो हम क्या पुट करेंगे, q पुट करेंगे. राइट, तो ये नोटेशन q मैंने लिया है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, कई बुक्स में इसको डी डैश लिखा होता है, कई बुक में टी लिखा होता है, कई बुक में थीटा लिखा होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन हो सकते हैं. ओके, तो क्या होगा, डी बाई डी जेड इज इक्वल टू क्यू ले लिया मैंने. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप ऐसे क्वेश्चंस को करने की होगी कि जहां जहां पे भी आपके पास इस पूरी इक्वेशन में एक्स डी आएगा आप उसके प्लेस पे रखेंगे क्यू, जहां जहां पे भी एक्स डी आएगा उसके प्लेस पे आप पुट करेंगे क्यू, जहां जहां पे भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा उसके प्लेस पे आप पुट करेंगे क्यू क्यू माइनस वन. सपोज कहीं आपके पास एक्स क्यूब डी क्यूब आ गया तो आप पुट करेंगे क्यू क्यू माइनस वन क्यू माइनस टू एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है वो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, उसको हम कैपिटल डी वाली फॉर्म में लिख दिया. अब इस कैपिटल डी वाली फॉर्म के बाद हम इसमें करेंगे, इसके जो सोल्यूशन आएगा इक्वेशन का उसमें एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड पुट करते हैं या जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स आप ले सकते हो. राइट, फिर बात करें हम यहाँ एक नोटेशन मैंने अज्यूम किया है, लेट क्यू इज इक्वल टू डी बाई डी जेड, इसका मतलब है कि मैंने एक नोटेशन लिया है, एक फंक्शन लिया है क्यू जो जेड का फंक्शन है, और जेड किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है. राइट, तो अल्टीमेटली क्यू भी किसका फंक्शन हो गया, एक्स का फंक्शन हो गया. ओके, तो क्यू इज इक्वल टू डी बाई डी जेड लिया, मतलब इस इक्वेशन में अगर कहीं पे भी सोल्यूशन के अंदर कहीं पे भी डी बाई डी जेड आया तो उसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, क्यू रख सकती हूँ. ओके, नाउ अब बात करें जब कभी भी आपके पास में क्या आएगा, एक्स डी आएगा इस इक्वेशन के अंदर, कहीं हम देख भी सकते हैं क्वेश्चन में ये एक्स डी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो ये जो एक्स डी है इस एक्स डी के प्लेस पे आप पुट करेंगे क्यू, और ये जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट करेंगे क्यू क्यू माइनस वन. सपोज एक्स क्यूब डी क्यूब हो गया तो आप रखेंगे क्यू क्यू माइनस वन क्यू माइनस टू, एक्स फोर डी फोर हो गया तो क्यू क्यू माइनस वन क्यू माइनस टू क्यू माइनस थ्री, एंड सो ऑन हम चलते जाएंगे. ओके, नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आप एक्स डी
के प्लेस पे क्यू ही क्यू रख रहे हैं, इसको थोड़ा समझाइए। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक्स डी के प्लेस पे मैंने क्यू क्यू रखा, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है स्टूडेंट्स, हम क्या डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं? हम बिल्कुल लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन डी वाई बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स लिखा जा सकता है, राइट। अल्टीमेटली से dz कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका dy by dx बन जाएगा। तो dy by dx की जगह हम dy by dz और dz by dx रख सकते हैं। अभी मुझे dy by dz नहीं पता है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने अज्यूम किया है या जो मैंने पुट किया है उसमें dz by dx तो हम रख सकते हैं ना। z is equals to log x है, अगर यहाँ से मुझे dz by dx निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि dy by dx is equals to क्या होगा, 1 by x into dy by dz, right? इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं, इस x को उधर ले जाएं तो आप रख सकते हैं x d by dx के प्लेस पे क्या, d by dz, और ये d by dz क्या है, q है, वही चीज तो मैंने ली है। x d by dx मतलब y नहीं ले रहे, y की जगह कोई और फंक्शन भी हो सकता है, तो x d by dx के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, d by dz, ये d by dz क्या है, q तो है। Are you getting my point? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। आपको क्या करना है, आपको इन थ्री स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि जब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो जब पूरी इक्वेशन अगर सपोज आपकी डी के अंदर या पूरी इक्वेशन आपकी जेड के अंदर बन गई, तो आपको क्या करना है, जब हम इसका सी एफ निकालते हैं तो सी एफ भी क्या आएगा, वो जेड की फॉर्म में आएगा। तो ये सी एफ जब अभी हम निकालेंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी रहे कि कैसे करना है, ओके? तो स्टेप्स ये हैं, प्लीज इन स्टेप्स को ध्यान रखिएगा अच्छे से। आप बताते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले मैं वही करने वाली हूँ, स्टेप वन। स्टेप वन मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, अब हम यहां लिख सकते हैं क्या कि वी कैन पुट एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड और z is equals to log x, या फिर आप क्या कर सकते हैं, q रख सकते हैं किसके प्लेस पे, d by dz के प्लेस पे, या अब आप चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो x d जहाँ जहाँ है उसकी जगह q रख दीजिए, और जहाँ जहाँ पे x square d square है उसके प्लेस पे q q minus 1 रख दीजिए। तो अब मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा मेरी इक्वेशन q q minus 1 minus 3 q plus 3 y is equals to 0, right? यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो we can write it q square minus q minus 3q plus 3 is equals to 0, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, q square minus 4q plus 3y is equals to 0, राइट यहाँ से क्या निकाल देंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल देंगे, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले हम उसमें सी एफ निकालते हैं और फिर पी आई निकालते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, जो सी एफ होगा, वही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पी आई निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीरो है सामने वाली वैल्यू। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सी एफ ही क्या होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहां बनने वाला है हमारे पास, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी कितनी, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बन जाएगा, फैक्टर कर सकते हैं, थ्री के फैक्टर करने हैं, माइनस फोर आ जाए तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स क्या, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस एम प्लस 3, राइट। तो ये बन जाने वाला है मेरे पास में कितना, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और एडिशन करने पे माइनस 4 आ जाए, तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से m कॉमन ले लिया, इसको ले लीजिए m और 3m, ये मैंने ले लिया m कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा m माइनस 1, यहाँ से ले लिया 3 कॉमन, तो फिर से बन जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल फैक्टर निकाल लें, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 3, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट। आपको ऑलरेडी ये मेथड आता है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने आराम से समझाया। तो m इज इक्वल टू 1 एंड 3 हो जाएगा, मैंने आपको समझाया। देखिए सी एफ कैसे निकालेंगे ऐसे फंक्शंस में, सी एफ आएगा हमेशा ई पावर जेड की फॉर्म में, जनरली हम लिखते हैं सी एफ एक्स पावर में आता है या x की फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ x को हमने e पावर z लिया है, तो यहाँ सी एफ आएगा e पावर z की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा c1 e पावर z प्लस c2 e पावर ए जेड मान लीजिए, बी जेड मान लीजिए, एंड ऑन ये चलता जाएगा, और अल्टीमेटली आप यहाँ पे e पावर z के प्लेस पे वापस क्या रख देंगे, x रख देंगे,
ओके नाउ अब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सीएफ बनने वाला है वाई सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर जेड प्लस सी टू ई टू द पावर थ्री जेड। ओके इसको सिंप्लीफाई करना है, ई पावर जेड की जगह एक्स, तो ई पावर थ्री जेड उसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना एक्स सी वन प्लस ये बनने वाला है एक्स क्यूब सी टू दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ सी एफ। अब y of cf हमारे पास आ गया है, इसके बाद मुझे इसका क्या करना है सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए cf हमारे पास आ रहा था यहाँ पे cf is equals to c1 e power z plus c2 e to the power 3z, अब हम क्या करेंगे z e power z की प्लेस पे x रख देंगे, तो ये बनने वाला है cf या y cf is equals to c1 x plus c2 e power 3z है, तो उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, तो c2 x क्यूब बन गया राइट। अब ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है cf की, इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स गिवन है, क्या गिवन है एट y is equals to या एट x is equals to 1 पे y की वैल्यू क्या है 1 है एंड x is equals to 2 पे y की वैल्यू क्या है 14 है, तो ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इसमें रखेंगे, इससे मुझे क्या मिलेंगे कांस्टेंट्स c1 और c2 की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले रखते हैं इक्वेशन x is equals to 1 एट y is equals to 1, तो यहां रखेंगे y की वैल्यू 1 हुई c1 x की वैल्यू 1 हुई प्लस c2 x की वैल्यू 1 हुई, तो एक इक्वेशन यहां से मिल गई आपको। ओके नाउ x की वैल्यू रखनी है अब आपको 2 या x एट x इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू क्या होती है 14 है, तो यहाँ लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 2 पहले y की वैल्यू 14 x इज इक्वल टू 2 तो ये बन जाएगा 2c1 और यहाँ रखेंगे 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8c2। ओके तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई और अब हम जानते हैं ये क्लास 6 का क्वेश्चन हो गया है, टू इक्वेशन से टू अननोन है, हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं राइट, अननोन c1 और c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो या इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये बनने वाला है हमारे पास में क्या इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दें, तो ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन पहले होता है 14 2c1 plus 8c2 ये बन जाएगा 2 is equals to 2c1 plus 2c2, सॉल्व किया माइनस 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 हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिलेगा 8 minus 2 कितना हो जाएगा 6c2 is equals to 14 minus 2 कितना 12, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी स्टूडेंट्स 6 सॉरी 6c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 by 6 that is equals to क्या हो गया 2। ठीक है क्या किया मैंने ये इक्वेशन एज इट इज रखी, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2c1 प्लस 2c2, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कराया तो 2c1 से 2c1 कैंसिल हो गया माइनस 2c1 माइनस 2c1 जीरो हो गया, 8c2 माइनस 2c2 बन गया 6c2, 14 माइनस 2 बन गया 12, तो अब सॉल्व करेंगे c2 की वैल्यू 12 बाय 6 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो c2 आपके पास आ गया यहाँ से 2। ओके okay, c2 की वैल्यू 2 आ गई, इस c2 को उठा के आप रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें, इसमें रखना इजी है ज़्यादा, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखूँ तो c2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो 1 इज इक्वल टू c1 प्लस 2, इसका मतलब c2 आपको c1 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से माइनस 1, तो c1 की वैल्यू आ गई माइनस 1, c2 की वैल्यू आ गई 2, अब इसको किस में रख दीजिए इस जनरल सोल्यूशन में रख दीजिए, ये जो cf है यही इसका क्या है जनरल सोल्यूशन है, वाई बिकॉज ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए pi पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा क्या होता है जीरो होता है, तो ये बन जाएगा y cf is equals to c1x plus c2x cube है, तो यहाँ बनने वाला है c1 के प्लेस पे माइनस 1 तो माइनस x प्लस ये क्या बन जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस टू एक्स क्यूब। ओके माइनस एक्स प्लस टू एक्स क्यूब ये वैल्यू आई है सी एफ की, अब आपको निकालना क्या है 1.5 पे इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 1.5 पे वैल्यू निकालनी मतलब एक्स की वैल्यू 1.5 रखनी है, तो 1.5 पे इसके लिए इस इक्वेशन में एक्स के प्लेस पे 1.5 रख देंगे, तो ये बन जाएगा वाई 1.5 इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 का क्यूब, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 5.25। ओके आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमें मिलेगा 5.25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5.25। ओके तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन हर बार गेट में आता है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये जनरल जो है सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये कोशिश लीनियर या कोशिश होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो इनको स्टैंडर्ड टाइप से सॉल्व करना पड़ता है, इन फाइव स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और इजीली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।